What's happening, guys? Welcome back to another vlog. And आज we're doing something special because आज मैं जा रहा हूँ अपना COVID test कराने के लिए. और इसलिए नहीं क्योंकि I'm feeling any kind of symptom or something like this, but इसलिए because I'm traveling, तो मैं just अपनी safety के लिए बस करवाना चाहता हूँ क्योंकि मैंने कभी कराया नहीं test. तो सोच रहा हूँ कि वो एक बार test करा लेता हूँ. And it's nicer that you know that people who I'm meeting also, they also are very happy that I don't have it. So basically that is what it is. Abhi I'm just meeting a friend of mine jiske saath main jaunga test karane ke liye. Bro, meri thodi phat rahi hai. Tune pehle kara rakha hai, kitna dard hota hai? Bahut zyada. Ya aise mat bol. Naak mein matlab aise saamp aa jata hai. Aye aye. I just discovered a place that is called Space Cakes by NASA. It's like some kind of a restaurant, but इसका मतलब ये है कि यहाँ पे वो magical जड़ी बूटियों के साथ कि मिश्रण के साथ जो खाना है वो मिलता है. Have to try it. Otherwise I'll be very disappointed अगर नहीं हुआ तो. अरे थोड़ा पीछे को लेटना पड़ता है ना. हो गया भैया. फिर आना जरूरी होता है. अरे आंखों में पानी जरूर निकला है. अनुराग क्या बात. हमारा कोविड टेस्ट हो चुका है एंड ये मेरे को फालतू में ऐसे ही डरा रहा था. एक्चुअली में कुछ खास हुआ नहीं, बस थोड़ा सा आंख में पानी आ जाता है, बट दैट्स ओके. इतने तो हम तगड़े हैं. अब बस दुआ करो कि पॉजिटिव ना हो जाए, कि पॉजिटिव ना निकले हम नेगेटिव. What's happening, guys? So, मैं घर वापस पहुंच गया हूँ. घर आते ही मैंने शावर वावर सब कुछ ले लिया. आई गॉट माई सेल्फ क्लीन अप एंड सो ऑन. कोविड टेस्ट इतना कुछ बुरा नहीं था. इट वॉज एक्चुअली क्वाइट सिंपल. एंड मुझे लगता है कि शायद इन केस यू गाइस आर वंडरिंग कि मैं कहाँ पे गया था, तो द प्लेस इज कॉल्ड जीन स्ट्रिंग सेंटर फॉर मेडिकल जीनेटिक्स. इट्स इन गीतांजलि मालवीय नगर एंड सो ऑन. एंड इसके लगभग कुछ 2400 रुपये लगे थे फॉर द RT-PCR टेस्ट. तो इफ़ यू गाइस आर लुकिंग टू गेट इट डन, आप वहाँ से बुकिंग कर सकते हैं अपनी अपॉइंटमेंट की. गाड़ी में बैठे बैठे आपका डायरेक्टली कर देगा, आपको किसी लाइन में नहीं घुसने की जरूरत. आई थिंक दैट इज़ द सेफेस्ट वे टू गो अबाउट इट. तो ये तो मेरा कोविड का एक्सपीरियंस था. एंड अब देखते हैं और क्या करें आज. हाँ, और द रीज़न जो मैं कोविड टेस्ट करवाया वो इसलिए क्योंकि टुमारो आई एम फ्लाइंग टू बॉम्बे. वहाँ मेरे को थोड़ा सा काम है और उसके बाद 2 दिन मेरे शूट भी हैं बॉम्बे में. तो कम से कम 5 दिन मैं बॉम्बे में होऊंगा. तो आपको बॉम्बे लेके जाएंगे एंड आई विल मेक श्योर आई व्लॉग एवरी डे. तो उसके लिए स्टे ट्यून रहिएगा बिकॉज वेदर इज़ गोइंग टू बी अमेजिंग. थोड़े से शायद अपने दोस्तों से भी मिल सकता हूँ क्योंकि उनसे मैं कम से कम 8-9 महीने हो चुके हैं नहीं मिला. तो इट विल ऑल टुगेदर बी अ फन एक्सपीरियंस. तो लुकिंग फॉरवर्ड टू दैट. तभी मैंने ताकि सब लोग यू नो दे आर ऑल सेटिस्फाइड कि मेरे को कुछ है नहीं, तो मैंने करवा लिया अपना टेस्ट. और मेरे को भी थोड़ा सा लग रहा था कि कोविड टेस्ट एक बार करवाना चाहिए, आइडिया होना चाहिए कि है या नहीं है. अब वो टेक्निकली अभी तो मैं एक्साइटेड हो रहा हूँ. इसके 24 आवर्स बाद पता चलेगा रिजल्ट की है क्या. तो लेट्स सी हाउ इट गोस. एज घर पे स्टाइली पिक्स जो है वो आ गया है क्योंकि मेरे को कुछ और शूट भी कराना है. और सबसे ज़्यादा फट इसकी रही है क्योंकि अभी मैं कोविड टेस्ट करा के आया हूँ. क्योंकि अगर पॉजिटिव निकला तो ये भाई गया. शुभ शुभ सोचो से, शुभ शुभ बोलो. ऐसी इंथुजियाज्म बहुत जरूरी होती है फॉर एन इन्फ्लुएंसर टू स्टार्ट शूटिंग, ठीक है. क्योंकि अगर आपको लगता है कि बोरिंग होता है इन्फ्लुएंसर का काम, तो ऐसा बिल्कुल नहीं है. मेरे पास ऐसे सारे नमूने हैं. कहा कि इन्फ्लुएंसर्स के शूट आसान होते हैं.
गाइस बाय द वे अभी मेरा टेस्ट रिजल्ट वापस आ गया है. वी हैवंट सीन इट. ओके स्टाइली वाज अबाउट टू लीव और ही इज लाइक भाई एक बार जरा देख लेते हैं पहले से क्योंकि इसकी भी फट रही है काफी टाइम से. देखो मास्क वास्क लगा के बैठा है. खोले प्लीज. ओ कोविड 19 नॉट डिटेक्टेड. नॉट डिटेक्टेड. बच गया. मैंने बच गया. मैंने बच गया. कोविड नहीं है. Alright guys, I hope you enjoyed today's little bit of vlog. I hope you guys had fun. I know आज मैंने कोई ऐसा चीज़ डाली नहीं जिसमें आपको value शायद मिले and so on. But hey, कभी कभी हम break ले सकते हैं and it can all be about just fun, right? And tomorrow it'll be exciting because I'm flying to Bombay tomorrow. So we'll vlog about that. I'm actually excited to vlog about how in the flight it looks like and everything. So stay tuned for that. Till then, stay sexy, stay safe and see you guys in the next one. Bye.